अब साइज से हमें वो सीन ओ माय गॉड प्लीज भाई साहब इतना पार्ट को ब्लर कर देना, भाई मेरा जो एडिटर जो भी है ये चीज को ब्लर कर देना, अदरवाइज यूट्यूब मेरे को स्ट्राइक मार देगा। तो हेलो मेरे भगवान के छोटे से बच्चों, आप लोग का स्वागत है एक ब्रांड न्यू वीडियो में। एंड बॉयज एंड बॉयज एंड बॉयज एंड गर्ल्स, आज के दिन हम लोग देखने वाले हैं कुछ स्कैरी प्लेसेस जो कि हमें मिलते हैं गूगल अर्थ पे। ओके, तुम लोग को याद होगा कि मैंने 4 महीने पहले एक सीरीज बनाई थी जहां पर मैं गूगल अर्थ पे जाता था एंड कुछ स्कैरी प्लेसेस को देखता था एंड हम लोग ये भी चेक करते थे कि आखिर वो प्लेसेस असली है कि नहीं। एंड वो वीडियो तुम लोग को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। उसके बाद मैंने उसका एक और पार्ट निकाला एंड गेस व्हाट, वो पार्ट भी तुम लोग को बहुत ज्यादा पसंद आया। सो आज के दिन आफ्टर 3 मंथ्स, ये 5 क्यों बोला भाई मैं ये, सो आफ्टर 3 मंथ्स हम लोग बनाने वाले हैं इस सीरीज का एक और एपिसोड। सो जैसे कि तुम लोग को तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये है हमारी माता अर्थ, हमारी धरती जहाँ पर हम रहते हैं, खाते हैं और सारी चीजें करते हैं। एक्चुअली में तुम लोग देखोगे यार, हमारा अर्थ यार काफी बड़ा है यार। लुक एट दिस ब्यूटी भाई। बचपन में मेरे स्कूल के जो प्रिंसिपल हुआ करते थे वो बीच बीच में मेरी क्लासेस में आ जाया करते थे और उनके पास एक ग्लोब होता था एंड बस वो ग्लोब को ना घुमाते रहते थे अपनी स्पीचेस में, उनको पता नहीं कौन समझ आता था। सो आज हम इस अर्थ के अंदर कुछ स्कैरी प्लेसेस को ढूंढने वाले हैं एंड ट्रस्ट मी ये प्लेसेस काफी फनी है और कुछ कुछ बहुत ज्यादा स्कैरी भी है। बट यू नो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोग को एक वार्निंग देना चाहता हूँ। देखो, मैं जस्ट एक माहौल बनाने के लिए ये चादर अपने ऊपर डाल लिया एंड ट्रस्ट मी मेरे शरीर से जो है ना आग निकल रही है बिकॉज बहुत गर्मी हो रही है मेरे तरफ एंड मैं इसको भी ऊपर डाल रखे हूँ। तो दैट्स व्हाई मेरे शरीर से ना पसीना निकलने वाला है इस वीडियो में। गाइस, इतनी मेहनत के लिए लाइक तो कर दो प्लीज। वन लाइक इक्वल्स टू रचित भाई का पसीना वेस्ट नहीं जाएगा। ऑल्सो इफ तुम लोग रचित भाई के पसीने को वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो प्लीज रचित भाई के इंस्टाग्राम को भी फॉलो करो, धन्यवाद। हम इस वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं इस एक गूगल अर्थ की चीज के साथ। सो इस प्लेस के अंदर ना हमें एक डस्टबिन के अंदर एक बच्चा मिलने वाला है एंड ये मेरे को बहुत फनी लगा। तो तुम लोग देख सकते हो ये लोग ये जा रहे हैं लाइक कोई सी ये जगह पे, कोई तो सिटी के अंदर जा रहा है ये, ठीक है ना। एक तो ये लोग भाई इतना ऊपर से जूम इन करते हैं कि मैं भूल जाता हूँ ये इतनी जल्दी जल्दी जा रहे हैं। ओके, तो ये सिटी में जाने के बाद ये कोई तो पार्क के अंदर आए हैं एंड इसने जूम इन किया है। इसका टाइटल है अ चाइल्ड कॉट ऑन अ डस्टबिन। ब्रो व्हाट, एक्चुअली मैं एक बच्चा है भाई डस्टबिन के अंदर। ओके, आई डोंट बिलीव दिस, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है। बट लेट मी सी कि कौन सी जगह था। ओके, इस जगह का नाम है चेमिंदू पार्क दे। ओके, इस जगह का नाम है चेमिंदू पार्क दे बेलेन। आगे का मेरे को दिख नहीं रहा है। सो जस्ट टू चेक, इस वीडियो की हम फर्स्ट चीज देखने वाले हैं जो कि है एक बच्चे को। मैं यूट्यूब रूल्स के साथ ना बहुत गंदा खेल रहा हूँ, मैं तुम्हारी कसम भाई, यूट्यूब ऐसी चीजें अलाउ नहीं करता है और मैं ऐसी चीजें कर रहा हूँ। ओके, चेमिंग द पार्क दे वैलेंसी। ओके, हम लोगों ने वो जगह ढूंढ ली है गाइस एंड अभी हम जाने वाले हैं। ओके भाई, कुछ ज्यादा ही जल्दी जा रहे हैं हम। ओके, ये रही वो सिटी। ओके, दिस इज द सिटी एंड वो साइज से इस पार्क के अंदर गया था। यस, यही वो पार्क था एंड उस पार्क के अंदर वो गया था इस वाली इस रोड पे। तो ये रोड पे हम जाएंगे, हम यहाँ पर क्लिक करने वाले हैं और इसको हम चेंज करेंगे 3D में। ओके, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, मेरे को चेक करना है आखिर मैं इसको 3D में कैसे करूँ। ओके, दिस इज 3D, काफी अजीब 3D हो गया भाई। ओके, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, वो आई थिंक इसी रोड पे था और इधर कोई जगह पे था। ओके, इस तरीके का डस्टबिन था ना, आई डोंट बिलीव, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा बट स्टिल हम लोग चेक करके देखते हैं। ओके, मेरे को नहीं दिख रहा है इधर, मैं आगे जाता हूँ थोड़ा सा। ओ, उधर कुछ तो दिख रहा है, इधर साइड कुछ तो दिख रहा है। ओके, वेट अ मिनट। ओ, मेरे को गाइस एक्चुअली में एक बच्चा तो नहीं दिखा लेकिन एक इंसान दिख गया है जो कि बच्चे की तरह खेल जरूर रहा है। ओके, मेरे को दोबारा चेक करने दो इसने कहां पे किया था। इफ मैं एक और बार चेक करता हूँ, मेरे हिसाब से वो बच्चा मूव हो गया होगा या तो, लेकिन इसमें एक्चुअली में दिख रहा है वो बच्चा। सो ये गया था इस पार्क में एंड देन ओके वो फर्स्ट वाली लाइन में क्लिक किया है। लेट्स सी, हम इसको जूम आउट करते हैं थोड़ा सा एंड हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इस जगह पे। ओके, लेट्स सी, वी डोंट फाइंड एनीथिंग। ओ ओके गाइस, एक्चुअली में
एक्चुअली में वो बच्चा यहाँ पर है लेकिन वो ब्लर्ड है, ठीक है ना। और हम समझ सकते हैं कि आखिर गूगल ने इसको क्यों ब्लर किया है, हम भी इसको अपनी वीडियो में ब्लर ही रखेंगे। ओके, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले ये क्लिप है, ये पता नहीं किसी तो भाई हॉस्पिटल या मेंटल पता नहीं कौन सी जगह की ये क्लिप है, ठीक है ना। इस पूरी क्लिप में भाई बस खून एंड बहुत अजीब सी चीजें मेरे को दिख रही हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर घर के अंदर ये कैमरा कहाँ से लगाए थे। अरे हेलो, व्हाट, वो क्लिप खत्म भी हो गई और मेरे को समझ में भी नहीं आया कि वो क्लिप थी कहाँ की। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को सही से। तो ये है सबसे पहला प्लेस एंड ये प्लेस जो है ना काफी मिस्टीरियस सा है। सो ये जूम इन कर रहा है इस जगह पे एंड जब ये इसको टैप करता है ना, तो टैप करने के बाद इसके गूगल मैप्स में ये जगह दिखती है जो कि भाई बहुत अजीब है। लुक एट दिस भाई, इतना बड़ा सा कुछ तो एक त्रिशूल है, ठीक है ना। आसमान में चीजें उड़ रही हैं, एलोप्लेन उड़ रही है भाई। ये तो कोई वीडियो गेम का सीन लग रहा है भाई, ये कहीं से भी रियल लाइफ चीज नहीं लग रही है। और वो क्या था, वो कोई अटैक ऑन टाइटन था क्या? आई डोंट बिलीव दिस, मेरे को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है कि ये जगह असली है। देयर इज नो फ्रीकिंग वे कि भाई इसको ये जगह गूगल मैप्स पे मिली है। भाई ये एक आर्ट लग रही है, आखिर इसको ये कैसे मिल सकती है? ओके वेट, मेरे को चेक करना है कि इसने कहां पर क्लिक किया था। इसको कोई तो, ये तो कोई तो जगह मिली थी एंड मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये जगह गूगल मैप्स पे है कहां पे। सो दिस इज गूगल अर्थ एंड वो जो उसने जगह देखी है ना, वो जगह मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर है कहाँ पे। और उस बंदे ने इतना ज्यादा जूम इन किया है कि हम एक्चुअली में ढूंढ नहीं सकते हैं कि वो जगह थी कहाँ पे। बस एक हमारे पास आइडिया है कि इस जगह के पास ये कोई एक छोटा सा आइलैंड है। यार दिस प्लेस इज लाइक काफी, वो बर्मुडा ट्रायंगल तो नहीं है ना वो? वेट व्हाट, ओके आई थिंक ये बर्मुडा ट्रायंगल है ना, बर्मुडा ट्रायंगल ही इस तरीके का दिखता है। डोंट से कि ये जगह बर्मुडा ट्रायंगल के पास है। ओके, मेरे को लग रहा है कि ये बर्मुडा ट्रायंगल ही है। लेट्स क्लिक, हम इसको लेते हैं और क्लिक करके देखते हैं इस जगह पे, लेट्स सी कि क्या आता है। वेट व्हाट, बर्मुडा ट्रायंगल पे लोग रहते हैं? इधर साइड घर बने हुए हैं भाई। ओके, मेरे को नहीं पता था कि बर्मुडा के साइड लोग रहते हैं। मेरे को कोई बताएगा आखिर यहाँ पर ये सारे लोग रह कैसे लेते हैं? बिकॉज इसके आस पास तो सिर्फ और सिर्फ पानी पानी है। लुक एट दिस, इसके आस पास तो कुछ है ही नहीं, पता नहीं भाई। ओके, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज पे। ओके, तो अभी हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट जगह पे। इस जगह का मेरे को यहाँ पे पूरा लोकेशन दिख रहा है, ये जावा वरात में है। लेट्स सी कि यहाँ पर क्या क्रीपी है। ओके, ये काफी ज्यादा जूम इन कर रहा है भाई, मेरे को जस्ट देखना है कि आखिर यहाँ पे क्या है। वो इमोजी तो बहुत खतरनाक सी चीज दिखा रहा है। ओके, लेट मी सी यहाँ पे क्या है। ओके, एक नॉर्मल सा घर है भाई। व्हाट, वेट व्हाट, भाई वो भूतनी थी यार। ओह माय गॉड, दिस इज एक्चुअली क्रीपी यार। भाई ये काफी क्रीपी चीज है, कोई वो बच्चा होगा या कोई तो होगा, लेकिन यार भाई वो सच्ची में वो गेट के ऐसे हाथ करके सबकी तरफ देख रहा है। ओके, मेरे को इसको चेक करना पड़ेगा। मेरे को पता है ये था जावा वरात में, तो हमें सबसे पहले सर्च करना है जावा वरात। हम पता लगाएंगे, द डिटेक्टिव रचित इज हियर। अभी हम पता लगाएंगे कि आखिर ये जगह सही है कि नहीं। तो जावा वरात है इंडोनेशिया में, तो हम जा रहे हैं इंडोनेशिया में। ओके बॉयज, हम आ गए हैं जावा वरात में। अभी हमें किधर जाना है? तो जावा वरात में वंदुंग के पास ये एक जगह है, ठीक है ना। इस जगह के पास है पैरा वाटर फॉल्स, नहीं एम्पेरा वाटर पार्क। हमें जाना है एम्पेरा वाटर पार्क के पास। अरे यार, इनको ढूंढना यार काफी हार्ड है यार, हमारी तो हालत खराब हो गई यार। हम यहाँ पे डालेंगे एम्पेरा वाटर पार्क। ओके, सो दिस इज एम्पेरा वाटर पार्क। अब वो एम्पेरा वाटर पार्क के पास ही था। ओके, एम्पेरा वाटर पार्क के पास बिल्कुल एक सिटी है। ये रहा, आई थिंक ये है वो, एंड आई थिंक ये है वो घर। लुक एट दिस, आई थिंक यही वो घर है। यस, दिस इज द सेम प्लेस। यहाँ पर एक इस तरीके का घर होगा। यस, ये रहा वो घर। ओके, दिस इज द प्लेस, हम लोगों ने फाइनली फाइंड कर लिया है। पॉइंटर लगाएंगे, अभी है वो वक्त जब हमें पता लगेगा कि एक्चुअली में क्या किसी घर से वो आत्मा निकल रही थी। वेट, आई थिंक वो घर आगे है। ओके, अभी तक तो नो साइंस। आई थिंक यही वाला वो घर था ना। अभी तो ये मिस्ट्री बहुत खतरनाक सी हो रही है। ओके, ये घर था ना, और यही तो वो घर है। लुक एट दिस, ये घर इधर साइड से रेड है, ठीक है ना। एक इधर साइड गेट है और ये खिड़कियां हैं, और यही इधर साइड से ये रेड है एंड इसको चेंज कर दिया इन्होंने। ओके सी, घर यही है जिसमें भूत दिखाया गया था ना, वो वाला घर यही घर है, बट इन्होंने ना इसको रेनोवेट कर दिया है। तो मे भी साइज से ये घर पहले स्थापित हो, अभी इन्होंने चेंज कर दिया है। और मेरे को लग भी रहा है कि भाई इस घर में कोई रहता नहीं है।
ए वेट व्हाट भाई, इधर ये कुछ भूत जैसा नहीं लग रहा क्या? व्हाट द फक? ओ भाई ये कुछ अजीब नहीं लग रहा है भाई, ऐसा लग रहा है ये खोपड़ी हो, ये हाथ हो, ओके पता नहीं। सो या ये घर तो हमने फाइंड कर लिया बॉयज, लेकिन ये घर की मरम्मत हो चुकी है, तो जो क्लिप हमें गूगल अर्थ में दिख रही थी वो अभी इसमें नहीं दिखेगी क्योंकि ये घर इन्होंने चेंज कर दिया है। ओके अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट जगह पे, एंड ये जगह भाई अरे कितना जूम इन करेगा भाई। ओके हम कहीं पे रशिया में पहुंच गए हैं या यूक्रेन में, पता नहीं इसमें क्या देखने के लिए मिलने वाला है अपने को। लेट्स सी, नॉर्मल घर है, एक बूढ़ी अम्मा दिख रही है भाई मेरे को, बूढ़ी अम्मा के आगे, ओ इसके हाथ में था कुछ, तो वो बूढ़ी अम्मा भी नहीं थी, वो आई थिंक वो बूढ़े अंकल थे। और एक चीज नोटिस करोगे तुम भाई, इनके पास जब तुम जूम इन करोगे ना, और जितना जूम इन करते जाओगे ना, इनका एंगल चेंज होता चला जाएगा। ये देखो ये जाएगा उसकी जगह पे मार्क, एंड अभी देखना अंकल की तरफ जूम इन किया ठीक है ना, ये देखो अभी वो कैमरे की तरफ देखने लगे और हाथ में कुछ छुपा के रखे हैं, और अभी दोबारा से कैमरे की तरफ देखने लगे पर दोबारा से हाथ में कुछ तो छुपा के रखा है। व्हाट? ओके ये कोई तो क्लिप है भाई एक जगह का, पता नहीं हम कहां पे जा रहे हैं, बट एक रैबिट देखा था मैंने भागते हुए। ओ व्हाट, रैबिट इतना ऊंचा कूद जाते हैं। ओके सी ये रैबिट है, तुमने यहां पर देखा, ये थोड़ा सा इसने जूम किया इसको, तो रैबिट यहाँ पे देख सकते हो कि ओ देखो ये थोड़ा सा जूम करेगा ना यहाँ पे, तुम ये रैबिट को देख सकते हो, ये यहाँ पे जंप किया है या कुछ तो किया है इसने, एंड फिर ये थोड़ा सा आगे चला गया, एंड जब ये पीछे मुड़ा तो लुक एट दिस भाई, वो तो सुपरमैन बन गया, रैबिट तो उड़ गया भाई आसमान में कितना ऊंचा उड़ गया भाई ये। ओके तो ये एक और नेक्स्ट लोकेशन है, इसकी लोकेशन हमें सही से दिख रही है, इसको हम चेकआउट कर सकते हैं, इफ इसमें हमें कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा तो मैं चेकआउट करूंगा, प्लीज कुछ तो स्कैरी हो। और जंगलों में तो जा रहे हैं हम, व्हाट? ओ व्हाट बेड, व्हाट ये स्केलेटन था भाई, एक्चुअली में एक बहुत बड़ा स्केलेटन है ये। वेट ये किधर है, मेरे को चेक करना है ये किधर था। तो ये है इस साइड में, मेरे को नहीं पता ये कौन सा साइड है गूगल अर्थ का, हम चेक करेंगे पूरी तरीके से, इस तरीके का दिखता है ये, पता नहीं कौन सा एरिया है ये। हम ये जो इसमें वो लिखा है ना नंबर्स, वही नंबर्स डाल के देखते हैं, 42 डिग्री एंड 40, पता नहीं भाई किस तरीके से डालेंगे हम इसको 40। ओ आई थिंक ये जगह है, ये जगह है ना ये, ओ आई थिंक इट इज पोर्टुगल, ये जगह है, स्पेन में है आई थिंक ये बंदा। ओके सो मेरे को इंटरनेट से ये डिग्री का साइन निकालना पड़ा है, देखो मैं कुछ भी हो जाए बट मैं ये लोकेशन का पता लगा के ही रहूंगा। A few moments later. Okay, boys and girls, listen to me. मैंने बड़ी मुश्किल से ये लोकेशन पूरी यहाँ पर डाल दी है, और अभी हम क्लिक करने वाले हैं इंटर पे। अब हमें ये जगह मिल गई है, हमने क्लिक कर दिया, हम एक्चुअली काफी क्लोज थे इस जगह के। ओके ये रही वो जगह, हम लोग देख सकते हो, एंड हमें इसी जगह पे क्लिक करना है, ने इस जगह पे जूम इन किया था ठीक है ना, यही वो जगह है आई थिंक, एंड अभी हमें क्लिक करना है इस घर के पास। ओके आई एम वेरी एक्साइटेड, इस घर के पास हमें क्लिक करना है, हम करेंगे इधर साइड क्लिक। ओके मेरे को वो स्केलेटन देखना है, बड़ा सा स्केलेटन। विद व्हाट, ये कोई तो जगह है भाई, यहाँ पे लोग घूमने आते हैं, ये देखो पत्थर में लिखा भी है। ओ भाई ओ मिल गया भाई मेरे को, लुक एट दिस स्केलेटन, अरे यार ये एक्चुअली में बहुत बड़ा है, ये मेरे हिसाब से किसी असली इंसान का नहीं होगा, ये कैसी जगह है मेरे भाई, टूटी फूटी गाड़ियां रखी है भाई इधर, ये जगह कैसी है, आखिर किसने बनाई है ये तो एक गुफा लग रही है भाई पूरी, एंड इधर लोग भी हैं, और ये एक नहीं है भाई, इस तरीके ये बहुत सारी जगह पे स्केलेटन्स हैं, और ये चार लोग भी यहाँ पे दिख रहे हैं। वेट व्हाट द हेक, एक गाड़ी के ऊपर दूसरी गाड़ी क्यों चढ़ रखी है, काफी अजीब लग रहा है भाई ये दृश्य, हमें काफी अनकंफर्टेबल फील करा रहा है दोस्तों। देखो यार इस वीडियो में मेरे को अभी एक्चुअली में बहुत मजा आ रहा है, डैम दिस इज एक्चुअली गुड। ओके हम लोग बढ़ते हैं और जगह पर। ओके इस जगह का नाम है गॉडजिला स्लाइड। ओके मैं गॉडजिला का बहुत बड़ा फैन हूँ, और इफ गूगल मैप्स पे पूरी वर्ल्ड में गॉडजिला के ऊपर कुछ अच्छी चीज बनी है ना, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लेट्स सी आखिर ये गॉडजिला स्लाइड क्या है। ओके उसने काफी जूम इन कर दिया, डोंट से कि पूरा गॉडजिला बना हुआ है, ओ डैम बॉय काफी बड़ा गॉडजिला बना था। ओके देखो ये एक्चुअली बहुत पॉसिबल है कि असली हो, क्योंकि किसी ने गॉडजिला का बहुत बड़ा एम्यूजमेंट पार्क बना दिया हो ठीक है ना, क्योंकि तुमको पता है गॉडजिला कैरेक्टर बहुत पॉपुलर है, तो वो पार्क के अंदर या किसी
बहुत बड़ी चीज के अंदर उस गॉडजिला का पूरा स्टैचू बना रखे हैं वो। दिस इज समथिंग स्कैरी, वो इमोजी से ही लग रहा है मेरे को कि कुछ तो स्कैरी है इसमें। और रेगिस्तान में जा रहे हैं हम लोग, तो तुमको पता है कि रेगिस्तान में कितनी अजीब अजीब सी चीजें मिलती हैं। ये कुछ ज्यादा ही जूम इन नहीं कर दिया भाई इसने, मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा है ये कहाँ पे पहुंच गए। ये तो इंडिया भाई, ये तो एक्चुअली अर्थ भी नहीं लग रहा है भाई, ये तो मार्स लग रहा है। ओह अभी ये इंडिया लग रहा है जिस तरीके की बिल्डिंग्स है तो अभी ये इंडिया लग रहा है। ओके मेरे को कुछ अजीब नहीं लग रहा है भाई इस फोटो में। डूड व्हाट, ओ माय गॉड, अभी काफी कुछ अजीब लग रहा है भाई मेरे को इसमें। ये तो काफी ज्यादा अजीब था, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, ऐसे भरोसा तोड़ दिया भाई इस वीडियो ने तो मेरा। एक्चुअली मैं पूरा रेगिस्तान लाइक एक वो डस्ट वाला स्टॉर्म आया है भाई पूरा, और ये बंदा उसकी तरफ देख रहा है। ये यहाँ पे खटिया बना रहा था भाई, खटिया को जो है ना अपनी वो बिन राधा जो भी किया जाता है ना, और बेचारे के सामने भाई तूफान आ गया भाई इतनी धूल लेके। ओके लेट मी सी इफ दिस इज रियल, मेरे हिसाब से ये रियल है, लेकिन ये कौन सी जगह है? ओ ये इंडिया के बिल्कुल पास वाली जगह है, इधर साइड इंडिया है। ओके इसको हार्ड नहीं है इसको फाइंड करना। ओके सो ये जगह मेरे को समझ गई कहाँ पे है, हम इसको अभी चेक करते हैं। ये जगह है इंडिया में लाइक इंडिया के पास, तो ये रहा इंडिया एंड वो जगह थी इराक के पास में भी। सो दिस इधर साइड इज इंडिया एंड उसने इधर साइड जूम किया है। ओके सो उसने एक्चुअली इधर साइड जूम किया था, इधर आई थिंक दिस इज द सिटी ना। ओ पानी है, एक पानी है, पानी नहीं है वो एक्चुअली कुछ और ही है भाई। तुम्हारी कसम यार ये जगह ना बहुत हार्ड है यार पता लगानी, समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो जगह है कहाँ पे। आई थिंक यही वो जगह है जो उस वीडियो में दिख रही है, अभी पता लग जाएगा। ये मैप है कुछ उस जगह का एंड यही मैप इस जगह का है। ओके रचित भाई एक बहुत बढ़िया साइंटिस्ट है, मतलब बहुत बढ़िया डिटेक्टिव है, मैंने बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत से गाइस ये जगह का पता लगा लिया है। ओके अभी मेरे को देखना है वो तूफान, अभी ये घर का पता कैसे लगाऊं, जो वाला घर इसने फाइंड किया है ये घर का पता कैसे लगाऊं इतने बड़े सिटी में। ओके जूम इन किया, ठीक है। ओके माय गॉड यार ये तो कुछ ज्यादा ही, ओ व्हाट ब्रो सरदार, ओ भाई मेरे हेलो, आखिर ये घर कैसे पता लगाऊं इतने बड़े सिटी में। सो बॉयज एंड गर्ल्स मैंने बहुत मेहनत करी लेकिन वो इमेज मेरे को यहाँ पर नहीं मिल रही है, साइज से गूगल ने उस इमेज को उड़ा दिया है। लेकिन एक्चुअली में ये दिखने में बहुत डरावना लग रहा है भाई, ये जो तूफान आ रहा है ना ये तूफान बहुत डरावना लग रहा है। ओके सो अभी हम लोग बढ़ रहे हैं एक और लोकेशन पे, ये भी इंडिया के काफी पास है, हम लोग इंडिया से भी गई है, चाइना है इधर साइड, ये इंडोनेशिया आ गया, ये कोई तो आइलैंड्स हैं इधर साइड, इधर ही साइड इंडोनेशिया थाईलैंड एंड ये सारे आइलैंड्स हैं। ओके इधर एक और एक आइलैंड है, हम बिल्कुल जूम कर रहे हैं, इधर एक सिटी है। ओ ओके क्या है इधर, ओके लेट्स सी इधर क्या है। ओ ओके एक ट्रक है, एक नॉर्मल सी रोड है एंड एक बहुत बड़ा सा समुद्र है। ए इधर इज अ मरमेड, ओके भाई इधर तो एक मरमेड है भाई पूरी फोटो में। ओके आई लेट मी सी ये तो काफी इजी है फाइंड करना, हम लोग को बस जाना है इंडिया के पास वाले आइलैंड्स पे, ठीक है ना। कौन से वाले आइलैंड थे, ये वाले आइलैंड थे। ओके तो सी हम जाएंगे इंडिया में, इंडिया हमारा बहुत दूर से हमें दिख जाएगा, किधर है हमारी प्यारी भारत, ओ मेरे भारत। ओके ये रहा इंडिया एंड इंडिया के पास वाले आइलैंड्स पे जाना है हमें। ओके तो जो आइलैंड उस वीडियो में थे वो कौन से वाले आइलैंड, ओके मेरे को एक बार कंफर्म कर लेना है कि वो कौन से आइलैंड पे गए थे। ओह ओके सो वो जो है ना इधर साइड वाले ये आइलैंड्स पे गए थे, फिलीपींस वाले आइलैंड पे, ठीक है ना। फिलीपींस के पास ये जो आइलैंड्स है ना ये सारे इन पे, ये फिलीपींस के आइलैंड के बाद वो जूम इन करते हैं ऊपर वाले आइलैंड एंड इस जगह। ओके दिस इज दैट प्ले, ओके ये है वो जगह जिसपे वो लोगों ने जूम इन किया था, है ना, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं मेरे हिसाब से तो। एंड जूम इन करने के बाद हमें और जूम इन करना है इस सिटी तक। ओके तो इधर एक सिटी है, ओ मिल गई ये रही वो सिटी। ओके हमने इस सिटी तक जूम इन कर दिया है एंड फिर हमें जाना है इस वाली जगह पर, ये हम लोग को एक एरिया मिल जाएगा। ओके ये वाली, हाँ ये रही वो जगह, ये रही वो जगह एंड यहाँ पर हमें क्लिक करना है। ओके ये रही, मैंने क्लिक कर दिया है, आई एम वेरी एक्साइटेड, मेरे को मरमेड देखनी है। ओ
एक्चुअली हम थोड़ा सा कहीं पे दूर आ गए हैं भाई, हम कोई गांव में पहुंच गए हैं। ओके, मैंने क्लिक कर दिया है, अब साइज से हमें वो सीन दे। ओह माय गॉड भाई, मैं एक्चुअली बट ये तो उसके मुंह के सामने आ गया भाई। ओके, मेरे को लगा था ये एक्चुअली असली मरमेड होगी। प्लीज़ भाई साहब इतना पार्ट को ब्लर कर देना, भाई मेरा जो एडिटर जो भी है ये चीज़ को ब्लर कर देना, अदरवाइज यूट्यूब मेरे को स्ट्राइक मार देगा। बट ओह, इधर से लोग फोटो भी खींच रहे हैं यार। मेरे को लगा था कि मैं उस जगह पे होऊंगा, ठीक है ना, बट मेरे गूगल अर्थ ने तो भाई सीधा इसके मुंह पे थोपड़े पर डाल दिया भाई मेरे को। मैं 2 सेकंड के लिए इसका थोपड़ा देख के डरा गया यार। सो आई थिंक गाइस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अभी बहुत सारी प्लेसेस हैं देखने के लिए, एंड इफ तुम लोग चाहते हो कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा तुम लोग को एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।